फाइनली आज हमारे 3 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए, जिसमें आज सुबह स्पेशल बेंच ने हमें रैली देने करने की परमिशन दे दी गई, जिसके अगेंस्ट डीबी में उन्होंने अपील फाइल की, एलपीए में उनको रेलीगेट कर दिया गया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स इशू किए थे कि हमें सुनने का मौका नहीं मिला, बट द कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि आपको सब मालूम था। एनीवेज वो जो प्रोसीडिंग्स हमें 8 बजे का नोटिस हुआ, 8 बजे प्रोसीडिंग्स वहाँ पर कंटिन्यू हुई और सिर्फ 2 मॉडिफिकेशन हुई उस ऑर्डर में। वो ऑर्डर में सिर्फ ये हुई है कि रूट प्लान चेंज किया गया है कि जो बाजा खाना से कोर्ट को पूरा जाना है वो आप वाया बरगाड़ी नहीं जाएंगे, वो आप वाया जैतो जाएंगे। और उसमें भी हमें ये परमिशन दे दी गई है कि जब हम कोर्ट को पूरा पहुंचेंगे तो हमें ओल्ड रूट से न्यू हाईवे पे जाने की परमिशन दी जाएगी। सेकंड ये है कि क्योंकि कंजेशन है ओल्ड कोर्ट को पूरा टाउन में, तो इसलिए जो आपने फरीदकोट जाना है वो आप न्यू हाईवे से जाएंगे, ओल्ड सिटी से नहीं जाएंगे। दैट्स ऑल। बाकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द country have been upheld by the honorable high court and we are very very pleased with that. और वो मद्देनजर नहीं रखा गया, वो सिर्फ बोला गया कि court is only concerned with the report submitted by the SDM for rejecting the permission to hold a rally. और उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था, ना दफा 144 का था, ना सेंट्रल इनपुट्स का था, ना स्टेट इनपुट्स का था। वो क्यों नहीं था वो ये सरकार जानती है। इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और पीसफुली होल्ड। और जो श्रोमणी अकाली दल है हमेशा हरदम ये करता रहा, हथियार कभी भी श्रोमणी अकाली दल की रैली में नहीं गए हैं। और वैसे भी आर्टिकल 19(1)A स्पेसिफिकली बोलता है कि जो आपने असेंबली करनी है विदाउट आर्म्स और पीसफुली करनी है। वो तो वैसे ही, वो हमारे सबमिशन ये थी कि सिर्फ नॉइज क्रिएटिंग इशू था, क्योंकि बरगाड़ी और फरीदकोट 40 किलोमीटर दूर है। हमने खुद अंडरटेकिंग दी है कि हम उस विलेज के 1 किलोमीटर भी आसपास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें जाने की वहां से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैतो से हम जाने को तैयार है। 144 आज शाम को 8 बजे पहली बार हमें देखने को मिली है, जबकि इनका कहना है कि जुलाई से वो एक्स पार्टी हुई हुई है। एक्स पार्टी क्यों हुई, क्या रीजंस थे, कैसे ऑब्टेन की, ये प्रोक्योर्ड है ये नहीं है, कोर्ट डिड नॉट गो इनटू इट। कोर्ट वाज ऑनरेबल कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि सिर्फ और सिर्फ जो वो एसडीएम की रिपोर्ट है इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट ने ही उसको रिजेक्ट किया था और कोर्ट के सामने सिर्फ वो रिपोर्ट थी। और हमारी कल रैली गॉड विलिंग पीसफुली होगी, लेकिन ये भी इनपुट की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने ओवरसील लिया, जबकि उसको जरूर सील बंद दिया गया था। क्या एसडीएम की रिपोर्ट में उसका भी कोई जिक्र नहीं, एसडीएम की रिपोर्ट में किसी इनपुट का, किसी दफा 144 का जिक्र नहीं था, वो ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न हो चुकी है।